दोस्तों, मुंबई अपनी चमक धमक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कई राज भी हैं। यहाँ वक्त के हिसाब से हालात बदलते हैं, कुछ लोग बेहतरी की तरफ बढ़ जाते हैं तो कुछ मुसीबतों से घिर जाते हैं। दोस्तों, मुंबई के कमाठीपुरा की भी यही कहानी है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा शालय है, जहाँ 300 कमरों में 3000 महिलाएं काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के किनारे बसा मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ देश के कोने कोने से युवा अपनी चाहत के लिए कुछ बनने आते हैं, पर बहुत से धोखेबाज लोग इन्हें लूट लेते हैं और फिर उनकी जिंदगी सही रास्ते से कब गलत राह पर चल पड़ती है उन्हें पता ही नहीं चलता। मुंबई को सपनों की नगरी कहना गलत नहीं होगा। साथ ही यह इंडिया की कमर्शियल कैपिटल के रूप में भी देखी जाती है। दोस्तों, मुंबई ही वो शहर है जहां दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मौजूद है, जिसे धारावी कहते हैं। यहां पर एक झुग्गी में कई लोग रहने पर मजबूर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। पूरी धारावी में 6 लाख जिंदगियां रहती हैं, जिनके पैर रोजाना उन पतली पतली गलियों में फंसते हैं, जहां पर गंदगियों का भी ढेर लगा हुआ है। भारत की सबसे हिट फिल्म स्लम डॉग ऑफ मिलेनियर भी धारावी को दर्शाती है, और इसी मूवी ने 8 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते थे। जिस तरह होनहार कलाकार यहाँ से निकले हैं, उनके मुताबिक यहाँ विकास नहीं हुआ, उदाहरण के तौर पर डिवाइन, नेजी और एमीवे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुंबई को पहले बम्बई या बॉम्बे नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश जमाने में यह नाम पुर्तगाल से आया था, क्योंकि वहाँ इसे बम्बैया कहते थे, और दोस्तों बम्बैया का अर्थ सुंदर खाड़ी होता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में सबसे पहला 5-स्टार होटल ताज सन 1903 में ही खोला गया था, जो मुंबई में स्थित है। इसके अलावा भारत का पहला एयरपोर्ट भी मुंबई में ही बनाया गया था, जिसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। यह एयरपोर्ट साल 1942 में खोला गया था। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में पहली ट्रेन चली थी, जिसमें 14 बोगियां जुड़ी थीं और 400 यात्रियों की सीट थी। दोस्तों, 167 साल पहले इस ट्रेन ने बोरी बंदर से ठाणे के बीच का सफर तय किया था। दोस्तों, मुंबई में ही पहला ट्रेन का पुल बनाया गया था, और मुंबई में ही सबसे ज्यादा लोकल ट्रेन चलती हैं। भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन भी मुंबई में ही बनाया गया था, जिसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं। इसे खोला गया था मई साल 1888 में। सन 1990 में पहली बार मुंबई में डब्बा वाला की शुरुआत हुई थी। महादेव हबजी नाम के एक व्यक्ति ने मुलतर टिफिन कंपनी के नाम से डब्बा वाले की शुरुआत करी थी। वहाँ शुरुआत से ही डब्बे वालों ने ऐसी प्रणाली निकाली थी जिसमें केवल अनपढ़ लोग ही शामिल हो सके, और आज हजारों अशिक्षित लोगों का घर इसी से चलता है। यही इनका सबसे बड़ा रोजगार है। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध खाना वड़ा पाव और भेलपुरी कहलाता है। धारावी में झुग्गी के लिए 5 लाख रुपए से भी अधिक देने होते हैं। इसके अलावा पूरी मुंबई में प्रॉपर्टी बेहद महंगी है, और इसीलिए यहाँ पर हर व्यक्ति खुद का घर नहीं खरीद पाता। मुंबई में मौसम पूरे साल अधिकतर गर्म ही रहता है। दोस्तों, मुंबई काफी महंगा शहर है। यहाँ पर रहने के लिए अच्छी खासी रकम आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, पूरे भारत में मुंबई ही एक ऐसा शहर है जहाँ जगह की सबसे ज्यादा किल्लत है, और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ औसतन 1 स्क्वायर मीटर पर एक व्यक्ति रहता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी और दही हांडी जैसे त्योहार केवल मुंबई में ही सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, साल 1832 में भारत का पहला पोस्ट ऑफिस मुंबई में ही खोला गया था। दोस्तों, ये बात जानकर आपको खुशी मिलेगी कि दुनिया के 10 सबसे बड़े कमर्शियल सेंटर्स में मुंबई का नाम भी शामिल होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में बहुत से महंगे घर हैं, पर जो सबसे महंगा घर है वह मुंबई में ही स्थित है। इस घर के एक के ऊपर एक 27 मंजिलें बनी हुई हैं। इसे बनवाया है मुकेश अंबानी ने, और दोस्तों इस घर की कीमत सुनकर कोई भी चौंक जाता है।
दोस्तों इस घर की कीमत 70 अरब रुपए है जिसमें ये बनकर तैयार हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक भी करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।